बर्कले ने कहा कि हमें भाषा दोनों तरह की आनी चाहिए। बर्कले कहते हैं जब भाषा नहीं आती तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जो दे रहा हूँ फिलोसफिकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ और आप जो है ऑर्डिनरी लैंग्वेज के आदमी हो, इसलिए मेरी बातों से कंफ्यूज हो रहे हो। मेरी बात में अपनी बातों को उन्होंने रिपीट करके कहा कि मेरी बातों में बड़ी सरल बात कही है मैंने, टू बी इज टू बी परसीव्ड। इसके आधार पर दूसरी मैंने ये चीज़ कही कि वी हैव द राइट टू एसर्ट टू थिंग्स ओनली। हम केवल दो ही चीज़ों को कहने के अधिकारी हैं और हमारा कोई अधिकार नहीं। एक तो ये कि दी परसीविंग माइंड इज देयर, परसीविंग माइंड को आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो मना करेंगे तो फिर वही हो जाएगी कि भाई कौन मना कर रहा है। और एक दी आइडियाज परसीव्ड, परसीव चीज़ क्या है, क्वालिटीज़, केवल आइडिया सेंसेशन। तो इन्होंने कहा मैं बात तो अपनी भाषा में बड़ी अच्छी बात कह रहा हूँ, आप इसके बाद बताइए कि और चीज़ क्या है दुनिया में, लेकिन भाषा की दिक्कत है। तो भाषा को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बड़े बड़े उसके परिणाम अच्छे निकल जाते हैं। तो एक छोटी सी घटना मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ भाषा के, कि यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, प्रेम भिक्षु जी थे, बहुत विद्वान आदमी थे और जनता में उनके प्रति बड़ा विश्वास था। जब वो कथा सुनाते थे तो झुंड स्त्रियों के इकट्ठे हो जाते थे। तो हम स्वदेशी का आंदोलन चला रहे थे, हमने स्वदेशी के आंदोलन में जाकर उनसे कहा कि भिक्षु जी आज ज़रा लेडीज़ को ये कह देना कि देसी नमक, अपने देश का नमक, जो अपने देश में बनता है नमक, उस नमक का इस्तेमाल करें, स्वदेशी चीज़ का। बाहर से जो आता है, लाहौर से नमक आता है, खेबड़े की खान से नमक आता है, उसको त्याग करें, अपना देश स्वदेशी चीज़ इस्तेमाल करें। तो बड़ी सिंपल भाषा में हम उनसे रिक्वेस्ट कर गए, लेकिन भिक्षु जी थे, उन्होंने कहा कि मैंने पक्की तरह से इनको स्वदेशी बना देना, कल से ये विदेशी चीज़ का। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, उन्होंने कहा देखो बहनों, ये जो तुम नमक खाती हो बर्थ का नाम लेकर के, ये पाकिस्तान से आता है, और ये जितना तुम नमक खरीदती हो, ये सब जो पैसा जाता है पाकिस्तान, इससे पाकिस्तान गोलियां खरीदते हैं, जिससे तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे जो जवान हैं वहाँ सरहद पर खड़े हैं, उनकी छाती में गोली मारते हैं। तो कहते हैं इसलिए पाकिस्तान का नमक जो औरत खा रही है, वो अपने बच्चों की छाती पर गोली मारने के लिए पाकिस्तान को पैसा दे रही है। अपना देसी नमक खाओ, बड़ा अच्छा नमक आ रहा है, सांभर ना रहा है, समुद्र से आ रहा है, लेकिन इस नमक को इस तरह करो कि पाकिस्तान को एक पैसा भी नमक का जाएगा तो उसकी गोली खरीदेगा, और आपके जो सरहद पर खड़े हैं आपके नौजवान, आपके बेटे जो हैं वहाँ, उनकी छाती में गोली मारेगा। बस वहाँ औरतें खड़ी हो गई हैं, और औरतें खड़ी होकर कहने लगी कोई सेंधा नमक नहीं खाएगा, जो सेंधा नमक खाएगी इसका मतलब अपने बच्चों के गोली लगवा रही है छाती में। बस अब उनकी बात में बड़ा दम था, सारी औरतों ने बर्थ के दिन में सेंधा खा नमक खाना छोड़ दिया कि सेंधा नमक का पैसा पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान इससे गोले खरीदेगा और हमारे बच्चे मरेंगे। खैर वो हमारी चूँकि भाभी जी बहुत भक्तनी थी, उन्होंने आके मुझे कहा कि लल्ला जी आप उनकी कान में क्या बात कह करके आए थे, वहाँ तो एक भी औरत कहते सारी औरतें खड़ी हो गई कि हम पाकिस्तानी नमक नहीं खाएंगे। मैंने ये बात नहीं की थी, मैंने तो ये कहा था कि देसी नमक के बारे में कहना कि स्वदेशी माल का इस्तेमाल करें। उन्होंने स्वदेशी माल को इस्तेमाल करने के लिए तकड़ा कह दिया कि विदेशी माल को एक पैसा भी मत दो। तो मैंने कहा ये कहने का तरीका होता है भाषा का, और भाषा का असर होता है, तो भाषा में बहुत असर होता है, कैसी भाषा हम बोलेंगे, कौन सी भाषा। अब नेगेटिव भाषा अगर मेरी वाली बोलते तो ये हो जाता कि भाई देसी चीज़ें इस्तेमाल करो, अच्छा है देसी चीज़ों में, लेकिन उसमें कहीं वर्जना नहीं थी कि पाकिस्तान का। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि अपना देसी नमक बहुत अच्छा है, पाकिस्तान को जो जा रहा है नमक, पाकिस्तान को जो खरीद रही हो तुम लाहौरी नमक, ये लाहौरी नमक से जो पैसे बनेंगे इससे गोले खरीदेंगे और तुम्हारे बेटों को मार रहे हैं, तो बस लोगों ने वो नमक खाना ही छोड़ दिया, पाकिस्तानी नमक नहीं खाएंगे। तो भाषा का क्या प्रभाव होता है।